मार्कस टोइनिस जो है चोटिल हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ जो आखिरी वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने खेला था उस मुकाबले में स्टोइनिस को चोट लगी थी और उसके बाद से वो फिट नहीं हो पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो कोच है उनका कहना है कि पूरी तरह से फिट नहीं है स्टोइनिस और यही वजह है कि वो शायद भारत के खिलाफ मुकाबला ना खेले। आपको दिखाते हैं मार्कस टोइनिस के जो आंकड़े देखिए, 64 वनडे मुकाबले में 1400 रन है, 44 का एवरेज, एक शतक, 6 अर्धशतक, 94 का स्ट्राइक रेट और हाईएस्ट करीब 150 के पास, यानी 146 नॉट आउट। ये मार्कस टोइनिस की खास बात यह है कि ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भी अपने जौहर जब जब टीम को जरूरत होती है वो दिखाते रहे हैं। कार्तिक, झटका सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, क्योंकि एक अहम ऑलराउंडर मार्कस टोइनिस को कहीं से भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि बाद के ओवर्स में बड़ी हिटिंग कर सकते हैं स्टोइनिस, शुरुआती ओवर्स में विकेट निकाल के या फिर एक या दो गेंदबाजों के बाद जब वो गेंदबाजी उन्हें मिलती है तो वहां बीच के ओवर्स में विकेट्स भी निकाल सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक झटका माना जा सकता है ये? बहुत बड़ा झटका, क्योंकि एक तो फॉर्म में भी है, अभी हाल ही वनडे सीरीज में जो भारत के अगेंस्ट खेला गया था उसमें भी वो फॉर्म में नजर आ रहे थे और उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो स्पिन और पेस, वो ऐसे चंद खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया में से जो कुलदीप यादव को पढ़ सकते हैं, रविंद्र जडेजा को पढ़ सकते हैं, तो बैटिंग में तो स्टोइनिस की कमी खलने ही वाली है ऑस्ट्रेलिया को। और आपने उनकी गेंदबाजी की बात की, वो ऐसे एक रेयर गेंदबाज है जो कहीं पे भी बॉलिंग कर सकते हैं, आप उन्हें नई गेंद थमा दीजिए वो आपको विकेट निकाल के देंगे, आप उन्हें मिडिल ओवर्स में लाइ दीजिए तो आप वो रन रेट कंट्रोल कर लेंगे, फिर आप उसको उनको डेथ ओवर्स में लाइए वहां पर भी वो विकेट निकाल के दे देंगे। तो एक ऑलमोस्ट एक ऑलराउंड, जैसे कि आपने कहा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं मार्कस टोइनिस, और चेन्नई की पिच में उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया कैमरन ग्रीन को खिलाएगी उनके जगह पे, लेकिन कैमरन ग्रीन को फिलहाल उतना अनुभव नहीं है, और जिस तरह की बैटिंग हमने देखी है कैमरन ग्रीन से खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो मोर ऑफ एक रन एक्यूमुलेटर है, वो ऐसे स्लॉगर नहीं है, तेजी से रन नहीं बना सकते, और गेंदबाजी भी उतनी सफल नहीं रही है वनडे क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट ज्यादा बेहतर खेलते हैं। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।